सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग करने वीडियो में आज के आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नी करने वाले मिताली एक्सप्रेस में। और जो है गाइस, मिताली एक्सप्रेस का ये जो है पार्ट टू है, ठीक है, जो कि हम लोग जर्नी करेंगे 2 मार तक। और अभी हम लोग हल्दीबारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, पार्ट 1 में तो हम लोगों ने यही तक छोड़ा था। तो जितने भी लोग अभी नए आ रहे हो पार्ट 2 देखने के लिए, सबसे पहले जाके आप लोग पार्ट 1 देखो, न्यू जलपाईगुड़ी टू हल्दीबारी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग हॉर्न मार के डिपार्ट करते हैं, क्योंकि सामने इंडियन बॉर्डर में भी हमें जाना है। सो गाइस, अभी हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं हल्दीबाड़ी से, धीरे धीरे एक्सलरेट कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हम लोग अपने प्यारे इंडिया को बाय बाय कह देंगे। और गाइस, ये वीडियो भी 20 से 30 मिनट्स का ही होगा, ठीक है, देखते हैं कितना देर का होता है वीडियो। अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं स्किप कर दूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट, आई होप कि लंबा ना हो। चलिए 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड लिमिट को कैच करने का कोशिश करते, क्योंकि हम लोग अभी लूप से मेन में जाने वाले हैं। 32 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अभी हम लोग मेन लाइन पे जा रहे हैं। और गाइज, अभी 12:30 हो रहा है टाइम, मतलब 12:30 बज रहा है। चलिए अभी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है बॉर्डर तक पहुंच जाएं। और गाइज, मुझे ये तो नहीं पता कि ये पार्ट 2 कब आने वाला है, ठीक है। अभी पार्ट 1 रिलीज़ मैंने कर दिया है, ठीक है, तो पार्ट 1 के रिलीज़ होने के बाद देखते अभी ये कब आता है। हालांकि मैंने कल ही पार्ट 1 रिलीज़ किया है, मतलब अगले दिन ही, मतलब पार्ट 1 रिलीज़ होने के अगले दिन ही मैं बनाना शुरू कर चुका हूँ अभी, ठीक है, बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं इंडियन बॉर्डर में। शायद हम लोग पहुँच ही गए, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर दूर ही है। और गाइस, इंडियन बॉर्डर को हम लोग जो है बहुत धीरे स्किप करेंगे। हॉर्न मारते हुए जाएंगे और बहुत धीरे धीरे स्किप करेंगे। लेकिन हाँ गाइस, रियल वर्ल्ड में जो है, मतलब रियल लाइफ में यहाँ जो है ट्रेन रुकती है, मिताली एक्सप्रेस जो है बॉर्डर में आके भी रुकती है, ठीक है, क्योंकि इन BSF जो है यहाँ सब चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। थोड़ा स्पीड और घटाना पड़ेगा लग रहा है मुझे, इतना स्पीड शायद सही है गाइस। चलिए गाइस, एक बार सामने चल के देखते हैं ये नज़ारा, ये कितने लोग जमा हुए हैं। और ये सिलीगुड़ी के WDP 4D के साथ मिताली एक्सप्रेस इंडिया को छोड़ रही है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत शानदार नज़ारा है। यहाँ चेयर कार के कोचेस जा रहे हैं और लास्ट में जनरेटर कार। ट्रैक सॉन्ग्स बार बार गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ओके सो गाइस, अभी हम लोग नो मैन्स लैंड में और हम लोग बांग्लादेश में रीच करने ही वाले। सामने आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेशी बॉर्डर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
तो चलिए गाइस अभी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। लिखा भी है वेलकम टू बांग्लादेश। और यहाँ 120 का लिमिट दे के रखा गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग 110 के ऊपर नहीं जा पाएंगे शायद से। चलिए एक बार लोकोमोटिव के पास चलते हैं। बाप रे गाइस, ये ट्रैक साउंड के साथ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। और यहाँ सिलीगुड़ी का WDP-4D अपने लास्ट हॉल्ट के लिए जा रही है गुवाहाटी में। और गाइस चिलाहाटी से जो है हम लोग का जो ये मिताली एक्सप्रेस है इस ट्रेन को लीड करेगी बांग्लादेश की WDM-3F, ठीक है, जो कि पहले इंडियन रेलवेज में ही काम करता था। मतलब इंडिया ने उसे गिफ्ट किया है बांग्लादेश को, और कुछ कुछ जो है एक्सपोर्ट भी किया है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश के पास खुद का जो है कोई मतलब कोचेज और लोकोस नहीं है, इसलिए वो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करता है। ओके तो गाइस यहाँ हम लोग 110 का स्पीड जो है एक्सीड कर चुके हैं, इसलिए घटा रहे हैं। हाँ 108 का स्पीड सही है। अब देखते हैं चिलाहाटी कितनी देर में पहुँचते, उसके बाद तो 2 मार्च तक हमें जाना है, फिर वहाँ पर भी ट्रेन रोक दिया जाएगा। मैप में देख लेते हैं कितना दूर है, ठीक है, यहाँ से लगभग यहाँ हमारा ट्रेन है और चिलाहाटी अच्छा खासा दूरी पे है, लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है हम लोग पहुँच जाएंगे। हाँ वैसे हम लोग पहुँच जाएंगे कुछ देर के अंदर, 5 मिनट के अंदर तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और गाइस इस वीडियो का पहला जो 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैं वीडियो को स्किप करूँगा। अगर 20 मिनट के अंदर हम लोग 2 मार्च तक पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना 20 मिनट पार हो जाएगा तो मैं स्किप करता रहूँगा सही दिन पर, ठीक है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो वक्त हो रहा है 12:40, मतलब 40 होने में अभी भी 2 मिनट बाकी है। शायद अभी स्पीड घटाना होगा, एक बार फिर से मैप देख लेते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, अभी पहुँच ही गए शायद से हम लोग। हाँ इस पहुँच ही गए। एक बार लोकोमोटिव के पास वाली जगह में चलते हैं। वहाँ पर मैं सामने जा ही नहीं पा रहा हूँ गाइस। एक तो ये ट्रैक साउंड प्लस ऊपर से EMD का जो है हमिंग साउंड आ रहा है और प्लस जनरेटर डर का साउंड, सामने जा ही नहीं पा रहा हूँ यार। सामने जाने तो दो यार, दुख होता है यार। ओके गाइस शायद से हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी स्पीड थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, एक बार मैप देख लेते। हाँ गाइस स्पीड रिड्यूस करने का वक्त आ गया है, थोड़ी दूर और स्पीड रिड्यूस करने का जो है वक्त आने ही वाला है। ऐसे भी अभी से हम लोग स्पीड रिड्यूस करना शुरू कर देते। अभी हम लोग का स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर।
चलिए अभी स्पीड रिड्यूस कर लेते क्योंकि स्टेशन हम लोग का आ चुका है, आउटर्स पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी 70 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चल रहा है और स्पीड घटा दिया गया यहाँ। तो यहाँ 45 किलोमीटर पर आर के स्पीड से अभी हम लोग चिल्हाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एंटर करने वाले, मतलब एक ही तो प्लेटफॉर्म है स्टेशन में। और सामने शायद हमारे लिए WDM3 बांग्लादेशी जो है वेट कर रही होगी। आप लोग देख सकते हैं चिल्हाटी एंटर कर चुके हम लोग, बांग्लादेश का फर्स्ट स्टेशन। तो गाइस हम लोगों ने ब्रेकिंग कर दिया है और इसके बाद जो है हमें डीकपल करके इस ट्रेन को वापस भेजना पड़ेगा, मतलब लोकोमोटिव को। तो चलिए अभी फटाफट हम लोग डीकपल कर लेते हैं, अब हम लोग शॉर्ट हॉर्न मारेंगे। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे। और सामने आप लोग देख ही सकते हैं WDM3 जो है हमारे लिए वेट कर रही है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको सामने जाके दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा और सामने चलना पड़ेगा, हमें अपने रिवर्सल पॉइंट तक पहुंचना होगा जल्दी से जल्दी। थर्टी टू किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी हम लोग अपने रिवर्सल पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। एक सेकेंड हम लोग इसे चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। सब सही है गाइस, क्योंकि हमें जो इस ट्रेन को जो है वापस भी भेजना पड़ेगा, मतलब लोकोमोटिव को WDP40 को वापस सिलीगुड़ी भेजना पड़ेगा। सिलीगुड़ी नहीं शायद से हल्दीबारी। और इधर आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश की WDM3 वेट कर रही है WDP40 के हटने की। और सामने जाके जो है हम लोग जो है स्विचेस को चेंज कर देते ताकि ट्रेन जा पाए। इधर भी हम लोग चेंज कर देते, हाँ ठीक है। सो अभी हम लोग इस ट्रेन को जाने देते, इसे मैं हाँ चेंज कर देता हूँ, अब ड्राइव में दबा देता हूँ। सो गाइस WDP40 चली गई, अभी जो हम लोग हैं यहाँ से जाएंगे। और ये जो हॉर्न साउंड सुनाई दे रहा है गाइस ये है WDM3 का। और गाइस आप लोगों में से बहुत लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है कि इस लोकोमोटिव को रिलीज़ देने के लिए, तो अगले वीडियो में मैं शायद से इस लोकोमोटिव को रिलीज़ कर दूंगा।
क्योंकि इस लोकोमोटिव को रिपेंट करने में बहुत मेहनत लगता है। देखते कितना सामने जाना पड़ेगा, और मतलब ज़्यादा सामने तो नहीं जाना पड़ेगा। 39 किलोमीटर पर आर के स्पीड से हम लोग कोचेस की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए एक बार ऐसे करके देखते हैं। शायद से कपल हो गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है नहीं हुआ है कपल। हो गया गाइस कपल। सो गाइस यहाँ ट्रेन कपल हो चुकी है और WDP-40 को देखते हैं। बाप रे गाइस, WDP-40 को देखो कितनी जल्दी इंडिया लौटने के लिए जा रहा है। बाय बाय। सो गाइस हम लोग ने WDP-40 को अलविदा कह दिया है और अभी हम लोग जो है दो मार के लिए डिपार्ट करेंगे हॉर्न मारते हुए। तो हम लोग जो है अभी बांग्लादेशी WDM-3A के साथ दो मार के लिए डिपार्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं। और गाइस इस लोकोमोटिव के अंदर जो है कैब इंटीरियर व्यू भी है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं कैब के अंदर से भी दिखाऊंगा। और एल्को का स्मोकिंग देखिए गाइस, बांग्लादेश में भी एल्को का स्मोकिंग वैसे का वैसा ही है। तो भी हम लोग मेन लाइन की ओर शिफ्ट हो रहे। और गाइस इस ट्रेन जर्नी का शायद से यही लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि पार्ट 3 तो आने नहीं वाला। दो मार के बाद मैंने कोई मतलब स्टेशन ही नहीं बनाया है, ठीक है। तो शायद से ये लास्ट पार्ट होगा। अगर स्टेशन होता है तो गाइस मैं इसका पार्ट 3 भी निकाल देता। चलिए गाइस एक बार लोकोमोटिव के पास चलते। चॉगिंग सुनिए गाइस, चॉगिंग सुनिए। भयंकर वाला चगिंग कर रहा है। मतलब क्या चगिंग है गाइस, क्या चगिंग है, क्या ही बताऊं मैं। अपना पूरा पावर दिखा रहा है गाइस। और गाइस यहाँ बांग्लादेश का एनवायरनमेंट भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब ट्रैक्स के बगल में पूरे जो है पेड़ लगाए गए हैं। और हम लोग बांग्लादेश में 110 के ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ पर भी नहीं जाएंगे। आप लोग स्पीड देखिए, स्पीड 102 किलोमीटर पर आर के स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। चलिए गाइस एक बार हम लोग इसका जो है क्रॉसिंग देख लेते हैं।
ये है गाइस बांग्लादेश में इसका रफ्तार, एक बार आप लोग देख लीजिए। अपने फुल स्पीड में जा रही है बांग्लादेश के हिसाब से, अपने फुल स्पीड में जा रही है गाइस। तो गाइस ये वीडियो जो है लगभग 20 मिनट का हो गया है, चलिए अभी थोड़ा हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो अगला स्टेशन है मिर्जागंज वो बहुत दूर है। मैं तो मैप से आपको दिखा देता हूँ। हाँ गाइस बहुत दूर है, आप लोगों को जो है मैं सीधा मिर्जागंज का जो स्किपिंग व्यू है वो मैं दिखा दूँगा। तो गाइस अभी जो है हम लोग है मिर्जागंज के आउटर्स में आ चुके हैं, और गाइस ये जो स्टेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ से शायद, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ का जो सिग्नल है मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और हमें ग्रीन सिग्नल देके रखा गया है, यहाँ सिर्फ एक ही लूप लाइन है। फुल स्पीड से जो है स्किप कर रही है मिर्जागंज को। यहाँ का प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस। जितने भी लोग बांग्लादेश से देख रहे हो ना, प्लीज़ रेट कर देना इसे, ठीक है, मतलब रेटिंग दे देना कि रूट अच्छा बनाया कि नहीं, क्योंकि मुझे जो है बांग्लादेश का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कैब के अंदर, और लोकोमोटिव के अंदर जो है कुछ ऐसा दिखता है, पूरा कंट्रोल सबसे को दिखाई दे रहा होगा। लोकोमोटिव के अंदर से गाइस शानदार नज़ारा आ रहा है, यहाँ से बहुत मस्त नज़ारा आ रहा है। और मैंने हॉर्न भी मारा है अभी, शायद से आप सभी को सुनाई दिया होगा। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि एक रियल लाइफ में ब्लॉग भी बनाऊँ, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना कि बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है, सोच रहा हूँ बनाऊँ। अगर आप लोग हाँ बोलते हो तो मैं कोशिश करूँगा एक बनाने का ब्लॉग, ठीक है। आप लोग का स्पीड देखो उस ट्रेन का, तो भाई साहब ट्रेन का धासू स्पीड है। बांग्लादेश के बहुत अंदर आ चुके हैं हम लोग। और गाइस एक बात बता देता हूँ, इस ट्रेन को जो है इंडिया में ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है, मतलब जब ये हल्दीबारी से, मतलब क्या बोलते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी से जब इसे डिपार्ट करने का जो मतलब मौका दिया जाता है ना, मतलब ये जब डिपार्ट करती है तो इसके डिपार्ट करते हुआ कोई अगर प्रीमियम ट्रेन हो, जैसे कि राजधानी तेजस राजधानी, ठीक है, ऐसा कोई अगर ट्रेन हो, या फिर कंचनजंगा, या फिर समझ रहे हो ना, ऐसा कोई ट्रेन हो तो उसे डिपार्ट नहीं करने दिया जाएगा, इसको सबसे पहले ही डिपार्ट करने दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी दूसरा ट्रेन हो, ठीक है, उन दूसरे ट्रेन को जो है ओवरटेक करने का मौका नहीं दिया जाता इस ट्रेन को, ठीक है, ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करेगी, इसे कई पे भी बीच में रोका नहीं जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में इसका ठीक उल्टा होता है गाइस, कोई भी ट्रेन इसे आके ओवरटेक करके चली जाती है, ठीक है, कोई भी ट्रेन इससे पहले डिपार्ट करके चली जाती है। इसके साथ जो है बांग्लादेश में बहुत गलत जो है इसे लुक किया जाता है, जैसे कि दो मार में इसे रोक दिया जाएगा पता नहीं किस कारण के लिए। और यहाँ भी अभी जो है छोटा सा कर्व था, फिर से आ रहा है, हाँ गाइस फिर से कर्व आ रहा है शायद से, नहीं गाइस चली गई, हाँ गाइस कर्व चली गई, तो फिर से आ रही है गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा कर्व कब आ रहा है कब जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
शायद से अभी कर्व है, हाँ भाई हल्का फुल्का कर्व आ रहा है यहाँ। चलिए गाइस देखो मैप भी उसे देख लेते हैं, यहाँ से दो मार कितना दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, शायद से पहुँच ही गए हम लोग। चलिए हम लोग एक बार जो है लोकोमोटिव के पास चलते हैं, ठीक है मान मान लेते एक बार। थोड़ा और आगे चलने देते हैं, मुझे शायद से वो डिस्प्ले कस्टम हर्ड है ना, जिससे जो सिग्नल का जो पता चल जाता है आगे सिग्नल कितना दूर है, वो लगवा लेना चाहिए। ठीक है मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि जो है गेम प्ले में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, मतलब व्यूज़ जो है ठीक से नहीं आ रहा था। तो यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, मैप देख के मुझे काम चलाना पड़ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। सामने आ ही गया है शायद स्टेशन, मैं यहाँ ब्रेकिंग कर देता हूँ। यहाँ मैंने गाइस ब्रेकिंग कर दिया क्योंकि स्टेशन जो है सामने आ ही गया है। तो गाइस 27 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, और लंबा नहीं करूँगा, स्टेशन आ ही चुका है। ओके सो गाइस देखते हैं, हमें शायद से लूप में डाल दिया जाएगा, मेन लाइन पे तो रोकेगा नहीं कोई हमें, हमें लूप में ही डाल दिया जाएगा। हाँ गाइस लूप में ही डाल दिया गया है। तो गाइस हम लोग दो मार में अराइव कर रहे हैं, और जितने भी जो है मेरे बांग्लादेशी जो है व्यूअर्स है, ठीक है अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं कोई बांग्लादेशी ट्रेन में भी जर्नी करूँ तो आप लोग बता देना। और वैसे भी मैंने एक बांग्लादेशी ट्रेन पे जर्नी किया है इस ग्रुप में, मतलब इस मैप में मैंने जर्नी किया है, ठीक है अगर आप लोग चाहते हो तो जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। चलिए लोकोमोटिव के पास चलते हैं, एक लास्ट बार मन मार देते। और गाइस यहाँ कोई रियल लाइफ में भी यहाँ क्या बोलते हैं ऑफिशियल हॉल्ट नहीं होता है, और गेम में भी ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, ये अनशेड्यूल्ड हॉल्ट है। और यहाँ पर भी कोई पैसेंजर्स नहीं चढ़ने वाले, तो गाइस यहाँ जो है पूरी तरह से जो हम लोगों ने ट्रेन को जो है रोक दिया है, सामने रेड सिग्नल है, हम लोग नहीं जा सकते आगे। सो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बता देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और बाय।